बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर फील्स ग्रेटिट्यूड फॉर इवन द फेंटेस्ट रे ऑफ पीस फुलफिलमेंट एंड ब्लिस। ही फील्स ब्लेस्ड एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। He feels that he has received more than what he deserves and all that he has a right to. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने जीवन में उतरी शांति की छीण से छीण किरण के प्रति अनुग्रहित होता है, वो किरणें शांति की, पूर्ति की, आनंद की, जो भी किरणें हैं वो निरंतर एक अनुग्रह और आशीष से अपने को भरा हुआ अनुभव करता है। वो ये भी जानता है कि जो उसकी पात्रता है उससे अधिक ही अस्तित्व ने उसे दिया है, और जो उसका अधिकार है वो तो दिया ही है। ध्यानी का जीवन अनुग्रह का, ग्रेटिट्यूड का जीवन होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से ही जीवन की बड़ी बड़ी यात्रा तय होती है। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े बड़े सफर तय कर लिए जाते हैं। अगर इंतज़ार करेंगे कुछ बड़ी बातों का तब हम खुश होंगे, तब हम ग्रेटिट्यूड अनुभव करेंगे, तो शायद बड़ी बातें भी आने में देर लगाएंगी। कौन जानता है कि हमारा ये अनुग्रहित होने का भाव ही उनको हमारी ओर खींचने में सहायक बन जाता हूँ। सूत्र इसीलिए बहुत ही गंभीरता से इस बात को हमारे सामने रखता है कि जीवन में शांति की, भराव की, आनंद की छीण से छीण किरण भी क्यों ना आई हो, जरूरी नहीं तुम आनंद से लबालब भर गए हो, शांति से तुम्हारा रोम रोम आपूरित हो गया हो, तुम अपने अंदर एक गहरी परितृप्ति, फुलफिलमेंट को अनुभव कर रहे हो, कोई आवश्यक नहीं। छोटा सा ही सही, थोड़ी सी शांति तो आई, थोड़ा सा आनंद तो आया, परितृप्ति, भराव थोड़ा सा तो आया जीवन में, उसके प्रति भी अस्तित्व को एक गहरा धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड अनुभव करना। और इसलिए क्योंकि आगे की जो प्रज्ञा है, विजडम है, उसको भी ध्यानी अपने अंदर लेकर चलता है कि अस्तित्व तो हमेशा तुम्हारी पात्रता से ज़्यादा ही तुमको देता है। यूं देखें तो अस्तित्व पर हमारी दावेदारी भी क्या है, कौन सी दावेदारी, हम कहें कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है अस्तित्व के माध्यम से, उस समग्रता के माध्यम से, वही उचित है, वही शुभ है, वही सुंदर है। ये बात जब एक ध्यानी जानता है, एक खोजी जानता है, तो वो जानता है कि पात्रता का तो कोई मसला ही नहीं है, उसकी तो कोई दावेदारी हो ही नहीं सकती, अस्तित्व ने हमको पात्रता से अधिक ही दिया है। ये जीवन है, ये सांसें हैं, ये सब कार्य व्यापार चल रहा है, ये उपहार ही तो है। हम किस बात पर, किस पात्रता पर अस्तित्व से कोई दावेदारी कर सकते, कर ही नहीं सकते। ध्यानी इसको अच्छे से जानता है और ये भी जानता है कि अधिकार अर्थात जो आवश्यक है वो मिलेगा ही जीवन में। अभी तक, इस क्षण तक जाग कर कोई भी देखेगा तो वो पाएगा कि जो आवश्यक है वो हुआ ही है, जो अधिकार है व्यक्ति का वो उस तक पहुंचा ही है, अस्तित्व में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अस्तित्व किसी को कैसे रचना चाहता है, अस्तित्व किसके माध्यम से, किस तरह से अभिव्यक्त होना चाहता है, ये तो वो अस्तित्व ही जानता है, या परमात्मा जानता है, या वो समग्रता जानती है, या वो स्रोत जानता है, कोई भी शब्द हम देना चाहें। हम नहीं जानते कि हमारे माध्यम से अस्तित्व किस तरह से अभिव्यक्त होना चाहता है। हम इतना ही जान सकते हैं कि जैसे इस क्षण अभिव्यक्त हुआ है वो वैसे ही अभिव्यक्त होना चाहता होगा, और वही हमारा अधिकार होगा, वही हमारी पात्रता होगी। तो अतिरिक्त किसी बात की कोई दावेदारी अनावश्यक है, वो विनम्र बनाएगी व्यक्ति को। और उस विनम्रता के साथ छोटी छोटी बातें जब भी जीवन में घटेंगी, छोटे
सुख, छोटी प्रसन्नताएं, उनको लेकर एक प्रार्थनापूर्ण भाव दर्शा कि ये हुआ कितना शुभ है, ये नहीं भी तो हो सकता था। छोटी ही बात अगर देखें, सुबह आँख खुल जाती है, उसी समय हमको प्रार्थनापूर्ण होना चाहिए, अपनी जीवंतता को महसूस करके, अपनी सजगता को समेट कर पूरे अस्तित्व के प्रति एक प्रार्थनापूर्ण दशा हमें अभिव्यक्त करनी चाहिए कि आँख खुली, फिर जीवन की लीला में शामिल होने का मौका मिला। कोई ज़रूरी तो नहीं था, नहीं खुलती आँख, हमारा क्या है, कोई दावेदारी है? हम चलते हैं, उठते हैं, अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, रोज़ ये सब चलता रहता है जीवन, तो इन बातों पर अनुग्रहित होना बनता है, हर बात पर बनता है। अपने से ज़्यादा पीड़ित और परेशान लोगों की तरफ दृष्टिपात करके कभी हम देखें, लोगों के जीवन में कितना कष्ट है, कितनी समस्याएं हैं, हमेशा तुमसे नीचे कोई न कोई, तुमसे पीछे कोई न कोई मिल जाएगा। वहाँ देखो, आगे मत देखो, आगे देखोगे लगेगा कि वो वाला हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, पीछे देखकर तुम कम से कम ये सोच सकते हो वो वाला तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ। इस बात के लिए अनुग्रहित। और फिर जब ये आत्मिक गुणों की बात आई, शांति आनंद की बात आई, प्रेम प्रसन्नता समस्वरता की बात आई, तो ये गुण तो अप्रतिम हैं, अतुलनीय हैं। लोगों के जीवन बीत जाते हैं, उनको सच्ची शांति, सच्ची प्रसन्नता, सच्चा आनंद नहीं मिलता। अगर छोटी सी भी किरण आ गई है तुम्हारे जीवन में, अनुग्रहित होना बनता है, प्रार्थना से भर जाना बनता है। तो बड़ी बातों का, बड़ी घटनाओं का कोई भी इंतज़ार हमें नहीं करना है, उनकी राह नहीं देखनी है, और जीवन हर दिन हमको ऐसी छोटी छोटी संभावनाएं, परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जब हम इसी तरह से अनुग्रहित हो सकते हैं, प्रार्थनापूर्ण हो सकते हैं। तो ध्यानी की प्रार्थना यही है, जीवन के प्रति पूरा सम्मान, और जीवन जो कुछ सुंदर लाया है, छोटे सा छोटा उसका अंश, उसके प्रति गहरे अनुग्रह में डूबे रहना। और ये बात उसके जीवन को कितनी शांति और सुंदरता से भर सकता है, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती।